लास्ट डे आज हमारा, बहुत हमने यादें यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये देखो जी, गांव की मॉर्निंग देखो। सो गाइस, सीन कुछ यूं है कि आज है जी गांव में हमारा लास्ट डे। ये जी बस आ रही है और हम लोग वेट करते हुए, इसमें हमने जल्दी जल्दी बैठना है। अच्छा लगा ना? तो लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और आपको पता है प्यार देने के लिए आपको क्या करना है। हे फैम, व्हाट्सएप कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होगे। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, सीन कुछ यूं है कि आज है जी गांव में हमारा लास्ट डे, मींस बलूचिस्तान में जो है ना आज है हमारा लास्ट डे, और सुबह के बज रहे हैं 5 आई थिंक, या 5:30 हो रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:30, और हमारी बस है 7 बजे। ठीक है जी, तो हम जो है ना 2 दिन से तकरीबन सोए नहीं हैं, और अब इंशाल्लाह घर जाके हम पूरी रात पूरी दोपहर सोने वाले हैं, बिल्कुल आराम करने वाले हैं, रेस्ट करने वाले हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आपको लास्ट डे भी दिखाया जाए। लास्ट डे जा रहे हैं, सी ऑफ कर रहे हैं इनको, तो सीन कुछ यहाँ भी हमारे लिए नाश्ता पक रहा है, नाश्ता करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, और देन हम लोग जो है ना बस के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह ही सुबह ऑटो वगैरह नहीं मिलेगा, तो हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो मैं आपको सब दिखाती हूँ कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग उठे हैं फ्रेश होने के लिए, मीन्स हम तो सोए नहीं थे, बातें शादें कर रहे थे पूरी रात, और अभी जो है ना हम लोग मुँह हाथ धोने के लिए उठे हैं। यहाँ देख सकते हो आनी को, अब आ रही नींद, अब आ रही नींद, जाने के टाइम नींद आई है। तो यहाँ सुनो भाई आनी, लेकिन घर जाके भी हम थोड़ी देर सोएंगे। बहुत देर सोएंगे। तो अभी जो है ना गाँव वालों को सी ऑफ करना, बट दिल नहीं चाह रहा क्योंकि यादें जुड़ गई हैं हमारी, मेमोरीज है। जाना तो है ना आज डे, आज हमारा बहुत, हमने यादें यहाँ से लेके जा रहे हैं, मजा आया, बहुत इंजॉय किया। तुम बताओ तुम्हारा कितना मजा आया? बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये लोग तो मुझे घुमाने लेके नहीं गए, मैं और इस्माइल हम दोनों ने इतना घूमे, इतना घूमे कराची की लड़की ने, बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे, ये लोग बहुत कम आए, मैं अपना मुखड़ा लेके निकल गई, मैं और इस्माइल निकले और घूम फिर के पूरा गांव घूम के आए हम। और इनका मुखड़ा आप देख ले, इनका मुखड़ा भी बिगड़ गया, इतना काला हो गया कि बस काला मुखड़ा देखने के काबिल ही नहीं। हम धूप में इतना फिरे, इतना घूमे, इतना घूमे, और अब देख लो गर्दन का कलर और मेरे मुंह का कलर अलग अलग हो गया, अब इसे फिर से लेवल में लाना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारी है, और यहाँ देखो नाश्ता बन रहा है। ये देखो, नजर नहीं आ रहा होगा, हम वहां से जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि भाई कैसा नाश्ता पक रहा है। ब्रेड अंडा बन रहा है। हाँ, लास्ट डे वाले दिन हम खाने वाले हैं अंडा डबल रोटी, अंडा ब्रेड। मतलब ये देखो, आप ही की नन, मतलब हमारी, आप ही हमारे पका रही हैं अंडा, फ्राई अंडा। तो भाई हमारे नाश्ते में होने वाला है अंडा डबल रोटी, चाय, और फिर हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर अंदर निकलना है। तो भाई आप लोगों को मिलते हैं नाश्ते पे छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई जब तक हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है, तो मैं घूमने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि लास्ट टूर मार लेना चाहिए कि मैं किस चीज़ को मिस करने वाली हूँ। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है यहाँ, क्योंकि हम लोग नहाए थे पुल में, मतलब पंप में जाके ना, तो जब हम पंप में नहा रहे थे तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वहाँ तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अब मुझे फ्लू हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो ये नेचुरली होता है। सो अभी जो है ना मैं मिस कर रही थी सब चीज़ों को कि भाई अभी जा रहे हैं, हाँ तो हम जा रहे हैं यहाँ से, तो हर चीज़ को एक दफ़ा रिमाइंड कर लिया जाए कि भाई यहाँ ये चीज़। अच्छा जी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करने वाली हूँ वो है ये जगह, ठीक है, ये पेड़ है और ये है इसको कहते हैं तख्त, हाँ, तो इसने मुझे घर की याद दिलाई, क्योंकि मैं जहाँ सोती हूँ वो है तख्त, ऑब्वियसली तख्त ही है, तो ये चीज़ मैं बड़ा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने रात दिन शाम सब यहीं गुजारी है, और ये मेरी फेवरेट प्लेस है, बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है, ये जगह मिस करने वाली। और ये है हमारा घर, यहाँ आके हम रात में बैठते थे, शाम में बैठते थे, मतलब सिर्फ मैं, ठीक है, और हमारी जो रात में जो बैठक होती है ना 2-3 बजे, मतलब रात के 2-3 बजे, क्योंकि यहाँ तो गाँव में 9-10 बजे आपको पता है कि मॉर्निंग हो जाती है, रात हो जाती है, मॉर्निंग तो यहाँ पर भाई फजर के टाइम ही हो जाती है। तो भाई जो हमने रात में जो बैठक होती है ना, मेरी रात की बैठक, वो ये जगह थी, यहाँ पर मैं, मेरी दोस्तें दो, और यहाँ पर पापा और बाकी सब यहाँ बैठते थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो सुबह के नज़ारे कुछ ये है, कबूतर वबूतर को देख लो आप लोग, ठीक है, ये सारे। अच्छा जी, जो ये प्लेस है, यहाँ हम लोग जो है ना बैठ के चाय शाय पीते थे, मीन्स चाय बनाते थे, मैं, सलमा और कौन था, रुखसाना। तो ये वो प्लेस है जहाँ हम लोग जो है ना बैठ के चाय वगैरह बनाते थे, और यहाँ बैठ के जो है ना
हम लोग चाय वगैरह पीते थे, ठीक है। और ये उनका घर है। सो भाई मैं ये सब चीज़ें बहुत मिस करने वाली हूँ, और लिटरली मुझे सब याद आ रहा है, रिमाइंड हो रहा है। आई डोंट नो मैं कैसे कंट्रोल की हुई, बट इन सब चीज़ों को लास्ट टाइम बाबा करना पड़ेगा, बाबाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी हाफ एन आवर में जो है ना हमारी बस है, देन हम लोगों ने घर के लिए निकलना है, कराची के लिए निकलना है। तो ये आज हमारा लास्ट डे होने वाला है गाँव में। तो भाई चलते हैं नाश्ते का इंतज़ाम, देखते हैं कि भाई नाश्ते में क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा नाश्ते का कार्यक्रम, ठीक है जी। तो भाई यहाँ जो है ना यूसुफ और इस्माइल दोनों सोए पड़े हैं, यहाँ हम सब उठ चुके हैं। भाई हमारी तो साफ सीधी सी बात है, नींद ही पूरी नहीं हुई, क्योंकि दो दिन इन दोनों को उठाना है और फिर बस में बैठना है, और हमने निकलना है अपने घर के लिए, कराची के लिए, क्योंकि कराची है ब्रो, कराची जैसा कोई शहर नहीं है। मैंने बहुत मिस किया सबको। तो भाई ये हमारे अंडे हैं, अंडे गरम अंडे, अंडे काली मिर्ची है, सनोवर आनी खास लेकर आई है, सनोवरानी खास लेकर आई है कि हम अंडों में डाल के खाएंगे। नमक डाले अंडों में, ये देखो काली मिर्च, डबल रोटी। चलो जी हम लोगों ने करना है इसका नाश्ता, ब्रेड का और अंडों का। यहाँ से खाता हूँ, चलो जी पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मिलता है, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा। भाई यहाँ की जो बिल्लियां हैं, ओ माय गॉड ऑसम है, यहाँ की बिल्लियां चॉकलेट तक खा जाती हैं, निम को भी खा जाती हैं। वो देखो इतनी पतली है माशाल्लाह, इतनी सूखी है, ये देखो इतनी सूखी बिल्ली है माशाल्लाह, जो मिलता खा लेती है, यहाँ तक की चॉकलेट भी हमने खिलाई वो भी खा गई है। देखे तो इनकी हालत सूखी, ये देखो भाई। चलो जी नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमने निकलना है, तो देरी नहीं करते, जल्दी नाश्ता करते हैं, फिर आपको मिलता है आगे। सो भाई अभी हम जा रहे हैं, अभी जो है ना हम जा रहे हैं, अपना सामान वगैरह सब इकट्ठा कर लें, ठीक है, ताकि हमने निकलना है, तो जल्दी जल्दी से सब चीज़ें ले रहे हैं, और देन हम बैग पैकिंग कर रहे हैं। बैग पैकिंग तो हो गई है, लेकिन चार्जेस वगैरह जो है एक दफ़ा री चेकिंग कर ली हमने, तो कुछ चीज़ हमारी पेंडिंग पर हैं, तो वो जल्दी जल्दी उठा लेते हैं। ये देखो जी गाँव की मॉर्निंग, देखो छोटा सा टूर भी ले लो, ये देखो। तो अभी जो है ना हम चार्जेस वगैरह लेकर लेने जा रहे हैं, ठीक है। गांव में मतलब फजर की अजान होती है, मर्द सारे नमाज पढ़ने जाते हैं और सब जाग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं ना, कसम से बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। मीन्स मुझे जो है ना इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, मतलब अगर कोई आपके पास मेहमान किसी और का भी आता ना, ये बहुत अच्छे से पेश आते हैं, ऑनेस्ट भी हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं। तो जो एक बात मुझे इनकी याद हुई वो है, आओ ना बैठो ना आओ ना, मैं मम्मा को जाके तंग करने वाली है बोल बोल के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये वर्ड, मतलब अगर कोई मेहमान आता है ना, तो वो बाहर खड़े भी देखते हैं, अगर कुछ कर भी रहो तो वो यही कहते हैं, आओ ना बैठो ना चाय पियो ना। तो भाई मैं बैठ चुकी हूँ, लास्ट टाइम ये अब्बा आ गए। मम्मा के बगैर कोई चीज मिली आपको? अबे पैंट लेके गया बाथरूम, चड्डा पहन कर आ गया, पैंट किधर गई? पैंट वही रख कर भूल के आ गई। अबे पैंट वही भूल के आ गई, मैं डब्बे पे पैंट पहनो, कबीर भाई को पहनाओ और चलो जल्दी करो, मुझे घर की याद आ रही है, मंतशा की याद आ रही है, मम्मा की याद आ रही है, बहनों की याद आ रही है। तो भाई इंतजार की घड़ियां कुछ ही लम्हों की है। सो भाई हम जा रहे हैं अपनी दोस्तों से मिलना लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट मोमेंट भी लाजमी है, तो उठाते हैं जल्दी लेंगे। यार सलमा जल्दी उठो हम सोए नहीं पूरे दिन पूरी रात से, जल्दी आओ। तो ये लोग कहती हैं तुम सवेरे सवेरे जा रही हो, मैंने हम तो पूरी रात सोए नहीं है। चलो इनसे मिलते हैं, इनको सी ऑफ करते हैं, गुड बाय करते हैं पूरे गाँव वालों को, और गाड़ी का इंतजार हो रहा है, 7:30 बजे हमें बैठना है गाड़ी में, ठीक है। बाय बाय, ख्याल रखना अपना, सी ऑफ कर लो जल्दी से, आओ ना देखा फिर बोल रही है बैठो ना। चलो अब तो नहीं बोल सकोगी बैठो ना, देखा फिर बोल रही बैठो ना। चलो तुम लोग भी साथ चलो हमारी कराची, चलोगे चलोगे मिस करोगे हमें? मेरे साथ आएंगे ना, मैं लेकर आऊंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर हमारे घर पे जरूर चक्कर लगाना, ओके सी ऑफ करने। सो भाई हम आ गए हैं मिलशिल के घर में, जा रहे हैं अब हम, ठीक है। तो अब डायरेक्ट जो है ना हम आपको मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, बैग पैकिंग के बाद निकलते टाइम, ठीक है जी।
तो भाई जहाँ से हम आए थे वहीं पर ही वापसी आ गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा मुइन मुइन गोट, हाँ वो वापस से हम वहीं आ गए मुइन गोट पे, ये देखो ये लिखा हुआ। तो अभी यहाँ पर जो है ना बस का इंतज़ार करेंगे, यहाँ पर हमें बस मिलेगी उसमें बैठ के हम जाएंगे कराची। ये देखो जरा ये देखो कैसे बैठ गया है, ये देखो हम लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे कैसे बैठ गया है। अब जी हम कर रहे हैं बस का वेट, ठीक है जैसी बस आती है हम आपको दिखाते हैं हम कौन सी बस में बैठ के जाने वाले हैं, फिर हम लोग कराची के लिए निकलेंगे। जुगाड़ लगा के बस स्टॉप तक पहुँचे, जुगाड़ लगा के हाय 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 बस ये बस आए किसी भी तरीके से हम कराची पहुँचे। ये जी बस आ रही है और हम लोग वेट करते हुए इसमें हमने जल्दी जल्दी बैठना है, ठीक है कराची जाना। चलो जी चले, चलो जी जल्दी जल्दी बैठे और चले कराची के लिए। अरे वो सीट रोड हाँ बे ये दो, चलो चलो ये बैग थोड़ी रखेंगे, चलो जी चलो नहीं ना अरे डटू चलो चलो जल्दी जल्दी। हमने घर वालों को बोला था कि हम आएंगे मंडे को, बट जो है ना हम आ गए हैं सैटरडे को, तो हम उनका लाइव रिएक्शन लेने वाले हैं, कैप्चर करने वाले हैं कि भाई क्या सीन्स हैं, कैसा लगा उनको ये सरप्राइज। ओके Oye. देखो मजा आ रही है, इनकी सो रही थी पूरी रात जगाया इसने मुझे, पेट में दर्द हो रहा है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ठीक है अभी हम बैग वगैरह उतारते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई मिलते हैं आप लोगों को छोटे से ब्रेक के बाद।
गाइज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि भाई घर का जो सुकून होता है ना वो घर में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता आप लोगों को। बिकॉज हम लोग गांव से वापसी आए, हमें इतनी हाई लेवल पे थकन हो गई थी, तो हम आते ही जो है ना रेस्ट पे लग गए। मीन्स कि हमने चेंज वगैरह किया, चेंज वगैरह करके जो है ना हम सो गए थे। देन लिटरली अभी हमारी आँख खुली है, रात में पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 11-12 बजे मेरी आँख खुली, मतलब हम सुबह के आए हुए थे और अब आ जाके हमारी आँख खुली है। तो भाई सीन कुछ हुआ है कि अब जो है ना मैं ब्लॉग यहीं पर एंड करने वाली हूँ, क्योंकि कल मुझे जाना है शूट पर, मेरा ब्राइडल शूट है पार्लर में, तो मुझे कल वहाँ पर भी जाना है, तो मुझे अपनी नींद पूरी करना लाजमी है। तो भाई नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करना, क्योंकि मेरा लुक जो है ना नेक्स्ट वीडियो में चेंज होने वाला है। तो भाई गाइज इसी के साथ ये ब्लॉग करते हैं एंड, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट मेरे लुक के साथ, मेरे न्यू लुक के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।